सहारे। मेरा अभी भी फिलहाल इंजीनियरिंग हुआ है। जैसे इंजीनियरिंग हो गई है तो मैं भटक रहा था इधर उधर कि क्या करूँ, सॉफ्टवेयर करूँ, हार्डवेयर करूँ, क्या करूँ। तो ऐसे करते करते मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया एग्जावेयर में। फिर मैं यूनिसॉफ्ट घूमा, फिर वहाँ पर भी अच्छा नहीं पढ़ा, यानी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। फिर आशीष अगम, वो मेरे सीनियर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि पीएसके टेक्नोलॉजी सर से मिलो। मैं आया और सर से जैसे मिला मैं, तो सर ने एक ही चीज़ कहा कि आप मुझे 5 या 6 घंटे दो अपना। तो मैंने बोला सर हाँ ठीक है। फिर मुझे बीपीओ छोड़ना पड़ा। मैंने बीपीओ छोड़ा, मैंने कंटिन्यू किया और 45 दिन के अंदर मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे डेल में जॉब लग सकती है। तो मैं डेल में जॉब किया। फिर मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, यानी गाड़ी वाड़ी नहीं थी, साइकिल से आता था, तो जिसके साथ जाता था उनको कहीं और लग गई तो फिर मेरा है क्या। तो अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं हार्डवेयर में सिस्टम एडमिन तक जा सकता हूँ। तो वैसे तैयारी करूँगा अगले साल तक कि बन जाऊँगा। डाट तो बोला नहीं तुमने, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। हाँ वो ऐसे घुमाते हैं भी है। मैं जितने भी क्लासेस घुमा हूँ वहाँ से पढ़ाते थे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। पर यहाँ फर्स्ट दिन बैच चालू होगी 1 तारीख से, मैं 2 दिन छुट्टी, 3 तारीख को आया, वो भी लेट आया। तो सर ने एक चीज बोली थी, इसलिए मैं भरोसा नहीं करता। तो वो बात लग गई है कि मैंने सर का भरोसा जीतने के लिए यानी कुछ भी करूंगा, यानी टाइम पे आऊंगा, सर ने बुक बनाने के लिए बोले तो बुक बनाऊंगा, यानी हर चीज वो करना है। सर डांटते हैं तो कैसा है ना, माँ बाप है तो डांटेंगी ना। तो ये अभी पॉजिटिव वे में मैं